Hello friends, welcome to pyeg tutorial. Today we are going to study the sound of music part 1. Evelyn Glennie listens to sound without hearing it. Evelyn Glennie was a Scottish percussionist. She was born on 19th July 1965. Before you read this chapter, it's a famous quotation by a famous percussionist. God may have taken her hearing, but he has given her back. Something extraordinary. What we hear, she feels. Far more deeply than any one of us. That is why she expresses music so beautifully. Unke dwara, bhale Ishwar ne uski shravan shakti ko chhin liya, परंतु उसे एक्स्ट्रॉर्डिनरी गिफ्ट भी दे दिया. व्हाट वी हियर, जो हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है, उस हमसे ज़्यादा ही महसूस करती है. दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुली. इसलिए वो म्यूजिक को बहुत अच्छे ढंग से समझती है और उसे प्रस्तुत भी करती है. आइए हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन समझें. Rush our crowds jostle for position on the underground train platform. जब भी हम लोग को काम पर जाना रहता है, प्राय 8 से 10 के बीच में प्राय सब लोग अपने अपने कार्यस्थल पर जाने की कोशिश करते हैं. उस वक्त रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड हो, टैक्सी स्टैंड हो, सब भीड़ से भरा रहता है. ठीक उसी तरह जब एवलिन ग्लेन जा रही थी परफॉर्मेंस देने के लिए, उस वक्त अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म पर बहुत ही भीड़ था. अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, एक स्मॉल छोटी लड़की 17 साल की, वो भी उसमें यात्रा करने के लिए तैयार थी. शी वॉज नर्वस yet excited as she felt the vibration of approaching train. जैसे ट्रेन का आने का कंपन उसके दिमाग में पहुंचा, उसे एक्साइटमेंट के साथ साथ नर्वसनेस भी महसूस होगा. कारण क्या था? कारण ये था, इट वॉज हर फर्स्ट डे एट प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन. कारण ये था, पहला परफॉर्मेंस था, वो भी लंदन के सबसे फेमस प्रेस्टीजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में. अनडाउंटिंग एनफ ऑफ कोर्स शी वाज स्केरी, शी वाज फ्राइटेंड फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम स्कॉटिश फार्म. इसका बैकग्राउंड कोई ज्यादा मजबूत घराने से नहीं था, उसके माता पिता कमजोर थे. फिर भी बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज. हालांकि उससे भी बड़ा चैलेंज था माता पिता की गरीबी नहीं, लेकिन उससे ज़्यादा चैलेंज था कि शी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, वो कान से बहरी थी, वो अपना श्रवण शक्ति खो चुकी थी. एवलिन ग्लेनी लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल. एवलिन ग्लेनी का जो श्रवण शक्ति जाने का जो प्रोसेस था वो बहुत धीरे धीरे हुआ. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play piano. Evelyn Glennie जब 8 साल की थी, वो पियानो बजाने के इंतजार में खड़ी थी. उस वक्त उसकी माँ उसका नाम पुकारती है. They called her name and she didn't move. I suddenly realized she hadn't heard, says Isabel Glennie. उसकी माँ इजाबेल ग्लेनी कहती है कि उसका नाम पुकारा गया परंतु वो रेस्पॉन्ड नहीं दी. फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स. काफ़ी समय तक एवलिन अपने बहरेपन को अपने साथियों और शिक्षकों से छुपा के रखी. बट बाई द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स आर डिटियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज हर फॉर हर पेरेंट्स टू टेक हर टू ए स्पेशलिस्ट. धीरे धीरे उसका मार्क्स
क्लास में गिरना शुरू कर दिया और जब वो 11 साल की हुई तो अंत में वहाँ की हेडमिस्ट्रेस ने उनके एवलिन के माता पिता से रिक्वेस्ट की कि उसे ईयर स्पेशलिस्ट के पास दिखाए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड। उस वक्त पता चला कि उसका जो श्रवण शक्ति था पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज उसका जो नर्वस सिस्टम जो था कान वाला वो पूरी तरह से खराब हो चुका था। दे वर एडवाइज दैट शी वुड बी फिटेड विद हियरिंग एड एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। माता पिता को एडवाइस दी गई, सलाह दी गई कि एवलिन को हियरिंग एड्स एक डिवाइस की जरूरत पड़ेगी जिसे उसे कानों में हमेशा लगा के रखना पड़ेगा और तदुपरांत उसे स्पेशल स्कूल में डाल दिया गया जहां सभी बच्चे डेफ हुआ करते थे, उसी स्कूल में इसका भी एडमिशन दिला दिया गया। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक से एवलिन। एवलिन को जब ये पता चला कि वो अब कुछ नहीं कर सकती, अचानक सब चीज अंधकारमय हो गया। जब एवलिन को पता चला तो उसके लिए अचानक सब चीज अंधकारमय बन गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। वो इतनी साधारण लड़की नहीं थी जो अपने कमजोरियों के चलते अपना जीवन बर्बाद कर ले। शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। वो अन्य लोगों के समान अपना जीवन जीना चाहती थी। एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। उसका सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट था म्यूजिक में और म्यूजिक बिना सुने नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल। One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक बार एक लड़की ये xylophone बजा रही थी, जब उसे देखी तो उसका मन ललच गया, वो भी इस म्यूजिक को बजाना चाहती थी। Most of the teachers discouraged her. प्राय सभी शिक्षकों ने उसे मना किया, परंतु परक्यूशनिस्ट रॉन फोर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। परक्यूशनिस्ट ढोल वादक रॉन फोर्ब्स ने इसकी पोटेंशियल यानी आंतरिक गुणों को समझ गए थे। ही बिगैन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। दो अलग अलग प्रकार का ड्रम लिया, एक छोटा और एक बड़ा। उसने उसे सलाह दिया, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स ही वुड से, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। उन्होंने उसको समझाया, उस लड़की को समझाया, बेटा कान से सुनना बंद करो और किसी और माध्यम से सुनने की कोशिश करो। सेस एवलिन। एवलिन क्या बोली, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। धीरे धीरे एवलिन हायर ड्रम का आवाज कमर के ऊपरी सतह से सुनना की और लो स्मॉल ड्रम का आवाज कमर के निचली सतह से। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। फोर्ब्स इस एक्सरसाइज को बार बार दोहराते गए, बार बार दोहराते गए और धीरे 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 इसका शरीर उस नोट्स के आवाज के अनुसार काम करना शुरू कर दिया। I had learned to open my mind and body to sounds and vibration. Evelyn अपना दिमाग और अपना शरीर ड्रम के साउंड और वाइब्रेशन के अनुसार काम करना शुरू कर दी। The rest was sheer determination and hard work. बाकी ऊंचाई तक पहुंचना उसके लिए खुद का determination और कड़ी मेहनत, लगन और कड़ी मेहनत उसे ऊंचाई तक ले जाती है। शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। इसके बाद वो अपने जीवन में कभी भी पीछे नहीं देखी। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा। इसके बाद यूथ ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से यूनाइटेड किंगडम में यात्रा करना शुरू कर दी। एंड बाई द टाइम शी वॉज 16, जब तक वो 16 साल की हुई, शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ। उसने अपने जीवन का लक्ष्य बना लिया था कि वो जीवन में म्यूजिक ही बजाएगी।
She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of Academy. 16 साल की उम्र से वो रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक में अपना पहला ऑडिशन देती है. ऑडिशन में जो मार्क्स उसको मिला रॉयल अकेडमी के इतिहास में कभी भी किसी को नहीं मिला था. श्री ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस. शुरू में तो वो ग्रुप के साथ अपना परफॉर्मेंस दिया करती थी, लेकिन धीरे धीरे वो सोलो मतलब अकेले परफॉर्मेंस देना शुरू कर दी. एट द एंड ऑफ हर थ्री इयर्स कोर्स, 3 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. रॉयल अकेडमी में रहते हुए उसने 3 साल का कोर्स कंप्लीट किया और बड़े से बड़े अवार्ड को अपने नाम दर्ज कर लिए. एंड फॉर ऑल दिस एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. वो अभी भी अपने इस बड़े कारनामों को एक हीरोइक अचीवमेंट नहीं कहती है. उसके अनुसार इफ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर. अगर आप कड़ी मेहनत करते हो और आप जानते हो कि आप क्या करना चाहते हो, आप वहां पहुंचोगे. सक्सेस डिपेंड्स अपॉन योर गोल एंड योर हार्ड वर्क, योर डिटर्मिनेशन. एंड शी गॉट राइट टू द टॉप. द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विथ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल. उस परफॉर्मेंस के बाद, उस ट्रेनिंग के बाद उसका लाइफ बदल चुका था. वो अपने जीवन काल में सदैव यात्रा पर रहा करती थी. करीबन 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स पर वो अपना मास्टरी हासिल करती है और उसका इंटरनेशनल टूर जो होता था, शेड्यूल्स जो होते थे, कभी भी फ्री नहीं रहा करता था. इट इज इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग. ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है, बहुत फैसिनेटिंग है कि बिना सुने आराम से वो सब म्यूजिक बजा लेती है. इन आवर 2 आवर डिस्कशन शी नेवर मिस्ड अ वर्ड. लेखक के साथ जो डिस्कशन हुआ था 2 घंटों का, उसमें एक बात को प्राय हिंट किया करती थी. मेन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल. उसके अनुसार जो दाढ़ी वाले लोग होते हैं उसके लिए बहुत कठिनाई उत्पन्न करते हैं. शी लाफ्ड. क्या कारण हो सकता है? इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट इज द होल फेस, स्पेशली द आईज. एवलिन के द्वारा सामने वाला जो दाढ़ी वाला है उसका खाली उसका सिर्फ होठ देखने से बात नहीं बनता है, उसके पूरे चेहरे के एक्सप्रेशन को देखने पड़ते हैं. शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ स्कॉटिश लिल्ट. एवलिन स्कॉटिश भाषा को बहुत अच्छी तरह से बोल लेती है. बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11. उसका स्पीच क्लियर था क्योंकि 11 साल तक वो सुनती थी. वही 11 साल के बाद वो अपना श्रवण शक्ति खो दी. शी सेस बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज. लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब तक वो सुनी तब तक स्कॉटिश सीखी, लेकिन जब वो अपना श्रवण शक्ति खो दी उसके बावजूद भी वो फ्रेंच और जापानीज सीख गई. इसको कोई कैसे समझाए? As for music, she explains, रही बात म्यूजिक का, it pours in through every part of my body. म्यूजिक उसके पूरे शरीर के हर एक अंग से उसके मस्तिष्क तक पहुंचता है, उसके दिल तक पहुंचता है. It tingles in the skin, my cheekbones and even in my hair. म्यूजिक उसके शरीर के स्किन से, उसके cheekbones से, उसके हेयर से दिलों तक पहुंच जाता है. When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. और जब xylophone बजाती है तो छड़ी के माध्यम से उसके दिल तक आवाज चला जाता है. By leaning against the drums
और अगर वो ड्रम के सहारे खड़ी रहती थी, शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और जब वो ड्रम के सहारे खड़ी रहती है तो उसका वाइब्रेशन, उसका इको साउंड शरीर में चला जाता था. On a wooden platform, she removes her shoes so that the vibration passes through her bare feet and up her legs. और जब वो वुडन प्लेटफॉर्म यानी स्टेज पर उसे परफॉर्मेंस देना रहता था तो वो जूता उतार देती थी ताकि उसका कनेक्शन डायरेक्ट प्लेटफॉर्म और शरीर में हो जाए और उसके माध्यम से वो म्यूजिक की आवाज दिलों तक पहुंच जाती थी. नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस. ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उससे ऑडियंस कभी खुश नहीं रहते थे. In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award. 1991 में Philharmonic Society के द्वारा Soloist of the Year Award Evelyn को दिया गया. Says Master Percussionist James Blade. ये वो ही व्यक्ति है जिन्होंने introduction में एक बड़ा quotation दिया था. God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary. What we hear, she feels, far more deeply than any of us. That is why she expresses music so beautifully. ईश्वर ने भले उसकी hearing शक्ति ले ली, परंतु उसके जगह पर extraordinary quality दे दिया. जिसे हम सुनते हैं वो उसे महसूस करती है और हमसे ज़्यादा महसूस करती है. इसलिए वो म्यूज़िक को बहुत अच्छी तरह से हम लोगों तक पहुंचा सकती है. एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज समथिंग ऑफ अ वर्कहोलिक. एवेलिन इस बात को एक्सेप्ट करती है कि वो काम करना जानती है, सिर्फ काम. आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क Often harder than classical musician. हर बार उसके मुंह से निकलता है I have got to work. And she used to work harder than the classical musician. But the rewards are enormous. और साथ में ये भी बात है कि जो जितना मेहनत करता है उसको अवार्ड उतना ही बड़ा मिलता है. Apart from the regular concerts, Evelyn also gives free concert to prisons and hospitals. Economic concern, regular मतलब economic, जिससे पैसा मिलता है, उसके अलावा वो prison में यानी जेल में कैदियों के लिए performance देती थी और hospital में रोगियों के लिए. She also gives high priority to classes for young musician. और नए युवक musician जितने होते थे उन लोगों को ज़्यादा प्राथमिकता देती थी क्योंकि वो जानती थी ये आज के नए युवक कल का इतिहास रचने वाले हैं. इसलिए उन लोगों पर भी अपना ध्यान देती थी. एंड रिचलिंग ऑफ बिथोवन फंड फॉर द डेफ चिल्ड्रन. एंड रिचलिंग जो है वो एक फंड चलाते हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए. उनके द्वारा ये बात कही गई है शी इज शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन. सभी डेफ चिल्ड्रन के लिए एक इंस्पिरेशन, एक प्रेरणा की स्रोत है. They see that there is nowhere that they can go. ये बहरे बच्चे, श्रवण विहीन बच्चे, उन लोगों को बस यही लगता है कि दुनिया उसके लिए कुछ नहीं है. परंतु जब एवेलिन को उन लोग के सामने खड़ा कर दी जाती है तो उसे इंस्पिरेशन प्राप्त करते हैं. एवेलिन ग्लेनी has already accomplished more than most people twice her age. एवेलिन ग्लेनी के अकाउंट में इतने अवार्ड्स आ गए हैं कि उससे दोगुनी उम्र दराज वाले लोग के अकाउंट में कुछ नहीं गया है. शी हैज ब्रॉट पर्क्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा. एवेलिन ने ढोल को म्यूजिक के फ्रंट चेयर पर ला के खड़ा कर दिया है और साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग. और इस बात को साबित कर दिया गया है कि जब ड्रम बजता है तो लोगों के पैर थिरकने लगते हैं. शी हैज गिवन इंस्पिरेशन टू दोस हु आर हैंडीकैप्ड. साथ ही साथ उन लोगों के लिए भी इंस्पिरेशन बन के खड़ी हो गई है जो फिजिकली चैलेंज्ड है. पीपल हु लुक टू हर एंड से,
जो लोग उसे देखते हैं इस बात को सदैव कहते हैं, इफ शी कैन डू इट आई कैन, अगर वो लड़की कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एंड नोट द लीस्ट, शी हैज गिवन एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और अंत में इस बात को तो कोई नहीं भूल सकता है कि दुनिया भर में वो अपना नाम कमाई, दुनिया भर में लोगों के दिलों पर वो राज किए, लोगों को अपने म्यूजिक से खुश कर दी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये चैप्टर समझ में आ गई होगी। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दें। थैंक यू वेरी मच।